हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका पेपर हैकर चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने इस चैप्टर के 8 स्टेंजा कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं इसका लास्ट स्टेंजा और अब तक के जो स्टेंजाज हैं उनमें से मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा, ये जो है लास्ट स्टेंजा है हमारा, इसको मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको इसका पढ़ के बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन उसके बाद करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइव। पार मतलब दूर, मैडिंग क्राउड यानी कि पागल जनता। ठीक, इसका मतलब है कि शहरों की पागल जनता और शोर शराबे से दूर, ये जो है पैसा कमाने के लिए जो गरीब लोग हैं वो घटिया काम नहीं करते हैं। पोएट जो है इस स्टेंजा में कह रहा है कि जो गरीब लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए घटिया काम नहीं करते, वो मेहनत का काम करते हैं और वही काम करते हैं जिससे किसी को भी कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, देयर शॉबर बिसेस नेवर लर्न टू स्ट्रे। ठीक है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं, सीधी साधी हैं। सोबर का मीन्स है सीधी साधी हैं, और वो कभी भी, स्ट्रे मीन्स होता है आपका भटकना, वो कभी भी पैसे कमाने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए भटकते नहीं हैं। अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, एकदम शांत जीवन जीते हैं और एकांत में रहना पसंद करते हैं। दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर बे, और वे अपने रास्ते में ऐसी चीजें रखते हैं जो नॉइजलेस हों यानी कि शांत हों, जो शोर शराबा ना करती हों। रेफरेंस पढ़ते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑफ्ट क्यूटेड स्टैंजास ऑफ ग्रेस एलुजी रिटन इन आ कंट्री चर्च यार्ड। यह काफी महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण स्टैंजास में से एक है। किसका? ग्रे का एलुजी रिटन इन आ कंट्री चर्च यार्ड, जो चैप्टर है उसका। द पोएट लेमेंट्स द डेथ ऑफ पुअर, जो पोएट है वो दुख व्यतीत करता है, विलाप करता है डेथ्स ऑफ पुअर, गरीब लोगों की, गरीबों की मृत्यु पर। एंड सिंपल विलेज फॉक हु रिमेंड अननोन, और जो सिंपल गांव वाले होते हैं वो अनजान रह जाते हैं, अननोन रह जाते हैं, उनको कोई भी जान नहीं पाता। बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी पॉवर्टी, उनकी गरीबी के कारण। ही आल्सो थ्रोज लाइट ऑन द वर्चुअस लाइफ ऑफ दीज विलेजर्स, वह प्रकाश डालता है किस पर, वर्चुअस लाइफ धार्मिक जीवन पर भी, किसकी, गांव वालों की। द पॉवर्टी ऑफ दीज पीपल नॉट ओनली चेक्ड देयर वर्ल्डली प्रोग्रेस, यानी कि जो गरीबी है उसने ना केवल रोका है उनकी सांसारिक प्रगति को, बल्कि बल्कि सेव्ड देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, और उनको बचाया है अपराध करने से। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ग्रे एडमायर्स द सिंपल एंड कंटेंटेड लाइफ ऑफ द पुअर विलेजर्स,
ग्रे प्रभावित होता है किससे? द सिंपल एंड कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स संतुष्टिपूर्ण लाइफ, यानी कि सादा और संतुष्टिपूर्ण जिंदगी से किसकी? गरीबों की, गरीब गांव वालों की। हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम द हरी एंड वरी ऑफ द सिटी लाइफ, जो दूर रहते हैं किससे? जल्दी से, हरी मीन्स जल्दी से, और वरी ऑफ सिटी लाइफ, और शहर की जो चिंता होती है उससे। पीपल इन बिग सिटीज, लोग जो बड़े शहरों के होते हैं, रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे भागते हैं, एंड मटेरियल प्रॉस्पर्टी, और तात्विक चीज़ों के पीछे भागते हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। बट दीज पुअर रस्टिक्स हैड नो एम्बिशन एंड क्रेज फॉर वर्ल्डली कम्फर्ट्स, लेकिन ये जो गरीब लोग होते हैं इनमें ना तो कोई ऐसी महत्वाकांक्षा होती है और ना ही ऐसा एक पागलपन होता है वर्ल्डली कम्फर्ट्स, सांसारिक जो कम्फर्ट्स हैं, सांसारिक आराम है उसको प्राप्त करने का। They never tried to go away harmless from the noble and virtuous path of life. वे कभी भी प्रयास नहीं करते go away, दूर जाने का, from the noble and virtuous path of life, धार्मिक और महान जीवन के पथ से कभी भी बाहर जाने का वो प्रयास, दूर जाने का प्रयास नहीं करते हैं। देयर विशेष वर सिंपल, उनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल है, सादा है, एंड हार्मलेस, और किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाली हैं। दे परस्यूड देयर पीसफुल ऑक्यूपेशन, वे अपनाते हैं, चुनते हैं अपना शांतिपूर्ण ऑक्यूपेशन, व्यवसाय एंड रूटीन ऑफ लाइफ, दिनचर्या अपने जीवन की, इन द पीसफुल एटमोसफेयर ऑफ नेचर, शांतिपूर्ण जो वातावरण है किसका? प्रकृति का, उसमें वो अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। कमेंट्स पढ़ते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट पेज अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द विलेजर्स, इस स्टैंजा में पोएट दे रहा है, चुकाता है ए ग्लोइंग ट्रिब्यूट, एक ग्लोइंग ट्रिब्यूट किसको? गरीब विलेजर्स को, गांव वालों को, एंड एम्प्लॉयज द ब्यूटीफुल मेटाफर, और फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का यूज करता है ऑफ अ पीसफुल वैली, एक पीसफुल वैली के रूप में। दिस इज वेरी एप्ट फॉर द अनडिस्टर्ब्ड लाइफ ऑफ द विलेजर्स, यानी कि ये जो स्टेंजा है या ये जो पोयम है वो बहुत ही उपयुक्त है अनडिस्टर्ब्ड लाइफ ऑफ द विलेजर्स, उनकी अनडिस्टर्ब्ड जिसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है उनकी जीवन में, ऑफ द विलेजेस, गांव के जीवन में। द पुअर एंड बैकवर्ड्स, इसीलिए जो गरीब हैं और जो पिछड़ी जाति के हैं, देवर नेवर डिवाइडेड विद इन देयर सोल, वे मन से, आत्मा से कभी भी अलग नहीं होते हैं। सो इसीलिए दे पास्ट देयर होल लाइफ, वे गुजार देते हैं अपनी पूर्ण जिंदगी, पूरी जिंदगी, क्वाइट हैप्पीली, बहुत ही खुशी से, क्वाइट हैप्पीली, बहुत ज्यादा खुशी से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है, और आज हमने ये जो एलोजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड चैप्टर है इसके हमने सारे स्टेंजास कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर लेके जिसका नाम है लंदन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने जितने भी साथी हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं जिनके पास ये सब्जेक्ट है उनको ये क्लासेस शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।